उमर सर, आपने उस दिन मुझे खुलकर बता ही दिया था कि आपको ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उस दिन समझ गई हर चीज। क्या मतलब? क्या आप मुझे सताने के लिए आए हैं? नहीं तो मैं हर चीज तुमसे साफ साफ कहने आया। अब मैं तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता। डेव, बस कर दे सर आप, प्लीज मुझे और शर्मिंदा ना करें। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं आपसे। तो मैं क्या कर रहा हूं? उमर सर, मैं मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल भी। मैं अब रिजाइन देना चाहती हूँ सर। क्या तुम रिजाइन देना चाहती हो? क्या जाना चाहती हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कल ऑफिस आना तुम और रिजाइन दे देना। मेरा तो दम ही निकल गया। डैफनी, हाय, कुछ बुरा हो गया क्या? पक्का कुछ बुरा हुआ है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की के साथ, अल्लाह खैर करे। सरदार, सरदार भाग कर आओ, जल्दी आओ। क्या हो गया, क्या हो गया नानी? हाँ नानी, रुक जाए। देखो देखो डैफनी को। आप अंदर जाए। पता नहीं क्या हो गया। मैं कहता हूँ आप अंदर जाए, फौरन चले अंदर जाए आप। नानी रुक जाए। लेकिन बेटा, आप अंदर जाए। हुआ क्या है? मैं देखता हूं इसे, आप अंदर जाए। क्यों रो रही हो तुम, बोलो। हाँ तो डेफनी, आज तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई मेरी, चलो बताओ मुझे। उमर सर, ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है। तो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? तो कहाँ चलती हो? रिजाइन तो दे दिया है ना मैंने आपको, तो अब मैं दूसरी जॉब ढूंढने जा रही हूँ सर। जाना होगा ना सर मुझे? हाँ, लेकिन शायद तुम्हें खबर नहीं है। किस चीज की? नोटिस पीरियड की।
यहाँ का प्रोटोकॉल यही है। बात दरअसल यह है कि जॉब छोड़ने से 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है और ये सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, देख लेना। अच्छा तो अब क्या होगा? तो अब तुम 15 दिन तक काम नहीं छोड़ सकती। हाय मेरे अल्लाह, लेकिन मैं तो समझ रही थी। डेफनी, प्रोफेशनल लाइफ में ड्रामे की कोई जगह नहीं होती है। प्रोफेशनल तरीके से अपना काम खत्म करके तुम जा सकती हो। बिल्कुल ठीक कहा आप, 15 दिन ही तो है, गुजर जाएगा ये वक्त भी हंसी खुशी। हाँ हाँ गुजर जाएगा। गुस्से से मेरे बाल ही खड़े हो जाएंगे। समझ गई, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करूंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी जब तक कि नोटिस पीरियड खत्म नहीं हो जाता। पुरसुकून हो जाओ डेफनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा आराम से। हाँ जी उमर सर। डेफनी मेरे रूम में आओ। आ रही हूं उमर सर। सांस लो डेफनी, आराम से आराम से, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। जी उमर सर। उमर सर शायद आपको मुझसे कोई काम था इसलिए बुलाया था। मिस्टर शिनासी से मिलना था आज, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, 2 घंटे बाद मीटिंग है। तुमने मुझे आकर शेड्यूल क्यों नहीं बताया अब तक? क्या होता अगर मैं कुछ और प्रोग्राम बना लेता? प्रोग्राम आप बदल नहीं सकते क्योंकि आपके सारे प्रोग्राम्स मैं बनाती हूँ। तुम्हारे पास हर बात का जवाब हाजिर है। अच्छा, बहुत अच्छा। याद रखो हम हर सुबह शेड्यूल को रिवाइज करते हैं। आज के बारे में ये बता सकती हो तुम कि आज क्या हुआ है? सोचा आज तो आखिरी दिन है तो बस इसलिए। मैंने कुछ देर के लिए और काम करने को कहा था तुम्हें, तो फिर क्यों नहीं किया तुमने? पता है तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, अब जा सकती हो तुम। जी मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की है तुमसे, दरवाजा वहां है, जा सकती हो। क्या हाल है? ओ एक मिनट, ऐसे मत देखो, तुम्हारी आंखों से बिजली निकल रही है, पूरे इस्तांबुल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हूं। तो फिर क्या हुआ तैयारियों का? मॉडल छोड़कर सभी सही हो गया, लेकिन उस मसले का कोई हल नहीं मिल रहा। गैस करो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई मॉडल पसंद ही नहीं आ रही। हम पर रहम करो यार, रहम करो। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे मुताबिक कोई मॉडल नहीं लाए? सिनान मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन रहा हूँ। कोई एक कदर ढंग की लड़की नहीं है क्या? उसका मुंह तक नहीं दिखाना है हमें। हमारा जूता, हमारा नाम सिर्फ उसके पोस्टर से दिखेगा। उमर गुस्सा हो क्या? हाँ गुस्सा हूँ। हमारा हाल देखो जरा, कुछ सही नहीं जा रहा है यार। लॉन्च सर पर है और अभी तक आराम कर रहे हो तुम सब। क्या आराम यार, सभी इस गर्मी में काम कर रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? कोरे वगैरह सब काम कर रहे हैं, तुम देख तो लो। सिनान मैं सिर्फ नतीजा चाहता हूँ, नतीजा। जा रहा हूँ मैं,
जाओ प्लीज जाओ जाओ, बाहर जाकर थोड़ी ऑक्सीजन लो, तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा। मुझे लगता है तुम्हारा फैन खराब हो चुका है, जाओ जाके चेंज करो। ये जो तुम्हारा आराम है ये हम सबको ले डूबे। मेरे रूम में आओ, जल्दी आओ। ठीक है, आ रही हूँ सर। हयात फाजन सोरों सादा इने गुजर। जी कही उमर सर। यास्मीन ने लॉन्च के लिए प्रेस लिस्ट तैयार की थी, वो लाओ जरा मुझे चेक करनी है। ठीक है। कहाँ जा रही हो? यास्मीन मैडम के कमरे में। मैंने तुमसे जाने को कहा क्या? जी नहीं कहा। तो जब तक ना कहूँ तब तक मत जाना तुम, ठीक है? ठीक है। ये उफ किस लिए था? नहीं, आपने गलत सुना सर। जी कहिए आप। मिस्टर शनासी से बाहर मिलूंगा मैं, कॉल करके बुकिंग करवाओ। आज ऑफिस बहुत बोरिंग लग रहा है, पक चुका हूँ। ठीक है, करती हूँ। कहाँ करूँ? लॉन्ग ठीक रहेगा? हाँ। मेरे आने की जरूरत है क्या? मैं भी चलूँ क्या? बताइए कि क्या करूँ मैं, बोलिए। मत चलो। ठीक है फिर, क्या मैं जा सकती हूँ उमर सर? गुड, वेरी गुड, तुम बहुत जल्दी सीखती हो। जाओ, तुम जा सकती हो। चलो सिनान मेरे साथ चलो। कहाँ? Gidemezsin beni bırakıp uzaklara, gidemezsin bensiz sevdalara, gidemezsin kalbim susuz sana, gidemezsin doyamadım daha. Gidemezsin bu kadar çabuk, olmaz. Ellerin ellerimi arar, vazgeçemezsin. Gözlerin gözlerimi, kalbin sevgimi. Yanımda kal, hep benimle kal. Elbet bir gün benim olacaksın. Biliyorum, bekliyorum. Benden uzak olamayacaksın. Gidersen mutlu olamayacaksın.
gidemezsin. Unutamazsın beni, gidemezsin. Artık tut ellerimi, gidemezsin. Kendini kandırma, gidemezsin. Ne yaşadık ki daha? Umar, aram se. Dekho, pagal mat bano. Aram se, aram se, aram se, aram se. ओहो, कहाँ है मेरा नाश्ता? आते ही नाश्ते का पूछने लगे। इंसान पहले सलाम करता है, प्यार से देखता है, फिर कोई बात करता है। अच्छा तो ये बताओ कि इतनी सुबह सुबह प्यारी कैसे लगती हो इतनी ज्यादा? कहाँ से प्यारी लग रही हो? बाल देखे मेरे कैसे चुड़ैल जैसे हैं। मैं तो फिदा हूँ तुम्हारे इस हाल पर, तो फिर अब क्या करें? अब से तुम्हारे मुस्कुराने पर भी पाबंदी है। वो क्यों? मुस्कुरा रही हो अभी तक? इसका मतलब आप सीरियस हो? यहाँ आग लग रही है। क्या लगनी नहीं चाहिए? लगनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। डेफनी, इस्माइल क्या हाल है? कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, आज मैं कैफे नहीं जाऊँगा, रिमजी को जिम्मेदारी दी है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस मूड नहीं है, शायद कैफे उसे ही दे दूँ। क्या मतलब, तुम कैफे बेच दोगे? अपने बाबा का कैफे बेच दोगे? अब मेरा उस काम में इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर ही नहीं बैठूंगा मैं। तुम ढूंढो मेरे लिए जॉब अपनी कंपनी में। ढूंढूंगी ढूंढूंगी, कंपनी मेरे बाबा की नहीं है, मेरी जगह तो खुद फिक्स नहीं है वहाँ, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ करूंगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी वही कहा है। अब तुम इस बात को छोड़ो, चलो आज छोड़ दूँ तुम्हें। मानो ना मानो, हमें तो हारने वाली टीम में होना चाहिए इस्माइल। वैसे बुरा ना सोचो तुम, क्या पता फिर हमारा वक्त आए और हम जीत जाएं। 5 मिनट में बदल जाता है ये जिंदगी का वक्त। कोई गुस्सा, कोई स्ट्रेस नहीं डेफनी, हमें बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी, गुस्सा नहीं होना है आज, कोई गुस्सा नहीं, याद रखना, गुस्सा अब खत्म। ये मैंने गुस्सा लिया और कूड़े में डाल दिया। वाह भाई, ये भी कर दिया। मैं भी अंदर रखने का कोई तरीका ढूंढ ही लूंगी। और मैं यहाँ इन्हें 1 मिनट देखने के लिए पागल हो जा रही हूँ। बहुत खूब डेफनी, बहुत खूब, बहुत खूब। डेफनी,
बस अब अंडा उबालना रह गया है। आप जब तक नाश्ता करेंगे मैं ऑफिस चली जाऊं। नहीं, गाड़ी में इंतजार करूं? नहीं जा सकती। हाँ तो 11 बजे क्रिएटिव टीम से मीटिंग है, फिर 2 बजे एजेंसी वाले से, और जाले मैडम से भी आपकी मीटिंग है आज। कॉफी अच्छी नहीं बनी तो मत पीजिए आप, क्योंकि कॉफी में ज्यादा कैफीन होती है और आदमी पागल हो जाता है। इजाजत हो तो आगे पढ़ूं मैं? नहीं छोड़ो। आज लंच के लिए यास्मीन की मदद करोगी तुम? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब नहीं? मैं यास्मीन मैम की असिस्टेंट नहीं हूँ, आपकी असिस्टेंट हूँ। मेरा क्या काम है उनके साथ? आज यास्मीन के साथ हो तुम, बात खत्म। और ये तुम्हारी बुरी कॉफी पी ली है मैंने।